Good morning, all of you students. How are you? Today I will teach you NCERT Sixth Standard Social Science में Geography Part में Chapter Number 4 में इससे पहले हमने Motion of the Earth पढ़ा था. उसी के बाद Chapter Number 4 है में What is the map? अब आपको पता ही सब मोबाइल चलाते हैं, सभी को पता है map क्या होता है, हमें कहाँ जाना है. आपने सर्च किया और वो एक एरो लेके जाता है कि इस डायरेक्शन और द डायरेक्शन सिंबल्स भी आते हैं. आप देखते हैं ना मैप में ऐसा करके कि इसमें मंदिर है तो मंदिर के साथ पिक्चर होता है, फिर रिवर है तो नदी का ब्लू लाइट दिखाते हैं, फिर आप कोई बहुत ज्यादा स्टोर वाला है तो उसमें ट्रेजर आइलैंड है तो वो भी शो करते हैं. हर चीज उसमें मैप में दिख जाता है. तो अब हम आज मैप के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज द मैप? ग्लोब में तो हम देखते हैं कि उसमें कितना है. ग्लोब ऐसा होता है और मैप एक कागज पे बनाया जाता है. अगर सब में ग्लोब को देखा ना आपने, पृथ्वी जैसी आकृति जैसा गोल होता है और मैप एक पिक्चर में जो बनाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है. इसकी डेफिनेशन है, अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑन द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट इज ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल. सो पार्ट मैप, मैप की डेफिनेशन आपकी बुक में अंडरलाइन कर लेना. ऑफ मैप हाउ मेनी टाइप्स? देयर आर थ्री टाइप्स, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप्स और थीमेटिक्स मैप. फिजिकल मैप में क्या होता है? पहाड़, पठार, ये रिवर, ओशियन, लैंड्स, ये जो फिजिकल इसमें आते हैं रिलीफ मैप में. जैसे पहाड़ है, कितने पहाड़ है, जैसे पठार है. पहाड़ और पठार में पहाड़ होने वाले नीचे होते हैं और पठार चौड़े होते हैं. फिर पॉलिटिकल मैप में विलेज, सिटीज, टाउन और शोइंग डिफरेंट कंट्रीज वर्ल्ड इसमें दिखाए जाते हैं. फिर थीम मैप में इसमें आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, सच रोड, ये वो हाईवे है, फोर लेन है, टू वे है, ये सब उसमें दी जाती है. रैनफॉल मैप्स, मैप शोइंग द डिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इंटरटीज, इट इज नॉन थीमेटिक मैप्स. सुटेबल टाइटल गिवन इज द बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग मैप्स. अब आपको समझ में आ गया मैप क्या होता है. नेक्स्ट तीन प्रकार के होते हैं. अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होती है कि कितनी क्या दूरी है. जब हम देखते हैं मैप में 75 किलोमीटर और ये सब शो किया जाता है. स्कूल घर का बना होता है, स्कूल से बिल्डिंग के हम समझ कर रहे हैं स्कूल जाना है तो इस बिल्डिंग से या स्कूल कितनी दूरी पे है वह सर्च करके बताता है. डिस्टेंस बताता है, उसमें लिखा रहता है और उसमें देखा है कि मैप क्या होता है, छोटा होता है और उसका मापक क्या होता है कि हम जिसे बता रहे हैं इसके 3 सेंटीमीटर इक्वल 3 किलोमीटर तो 3 लिख देते हैं. तो यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं और उसके बाद डिस्टेंस का मालूम करते हैं. फिर है डायरेक्शन. हम डायरेक्शन देखते हैं कि हम ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. अब हमको पता ही है सूरज कहाँ से उगता है, अर्थ कहाँ से होता है. इस डायरेक्शन में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो अब ईस्ट में जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, नॉर्थ में साउथ में, ये तो हमें डायरेक्शन वो बता देगा. पर अब हमें इनको कोने में जाना है तो नॉर्थ वेस्ट. तो
अच्छे से वो आपको पूरा कंटिन्यू बता देगा। आगे आपको समझ में आप सब बुक में अपने देखेंगे फिगर 4.3 में सिंबल दे रखे हैं रेलवे लाइन के, बोर्ड के, मीटर के, रेलवे स्टेशन के, फिर रोड्स क्या है आप रोड के देखेंगे दोनों, मेटल्स वाला, अनमेटल्स वाला, बाउंड्री वाला, इंटरनेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाले, फिर रिवर है, बैल, कुएं का, टैंक का और कैनल का, ब्रिज का, फिर टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, फिर उनके बारे में दे रखे हैं, फिर पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, फिर सेटलमेंट और ये दे रखे हैं ट्री और ग्रास के।